बना दी बढ़िया एकदम दिया भी आ रही है मजा आ गया आज ओए बहुत गजब आई है हाँ बढ़िया बढ़िया वो बोतल दे मैं लाता हूँ उसको पकड़ना पकड़ लेगा मैं ले आऊँ इसको दूर आ साफ से दूर साफ से दूर नहीं साफ से दूर और फिर क्या आया फिर तो बाकी सर रिलैक्स रिलैक्स ओनली मैं रहूंगा और सब साफ से पीछे Thank you.
पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सोमवार रात हुई इस घटना में दोनों ओर के जवान हताहत हुए। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक एक अधिकारी और दो जवान शहीद हुए हैं। घटना के बारे में जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सीमा पर गोली नहीं चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों ने लाठी डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। तीन जवान किस तरह शहीद हुए इसे लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि चीनी सैनिकों ने धक्का मुक्की की जिससे भारतीय सैनिक फिसल गए और खाई में जा गिरे। हालांकि अभी सेना की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सेना के मुताबिक गलवान घाटी में हालात ठीक करने के लिए दोनों देशों के मेजर जनरल्स बात कर रहे हैं। सोमवार रात हुई झड़प में दोनों ओर के सैनिक मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 3 से ज्यादा सैनिकों को खोया है जबकि कई घायल हुए हैं। घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा गया। हालांकि सेना ने अपने बयान में चीन को हुए नुकसान पर साफ कुछ नहीं कहा। बयान में बस इतना कहा गया कि दोनों तरफ नुकसान हुआ है। चीनी सैनिकों की तरफ से लाठी डंडों और पत्थरों के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। भारत चीन बॉर्डर पर करीब 45 साल बाद किसी सैनिक की जान गई है। इस झड़प की गंभीरता को देखते हुए फौरन दोनों देशों के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत शुरू हो गई है। घटना की जानकारी होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में सीमा के ताजा घटनाक्रम और जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हुई।